लोनी पुलिस और किसानों के बीच हुई हाथापाई, हाथापाई में किसान हुआ जख्मी। गाजियाबाद के लोनी मंडोला आवास विकास पर बैठे धरने पर किसानों ने आज आवास विकास के कार्यालय पर अनशन चलते हुए उनका टोनिका सिटी SHO पुलिस पर आरोप लगाए। बुजुर्ग व्यक्ति पर पुलिस ने किया डंडों से वार, लगे पुलिस पर आरोप। आपको बता दें कि लगभग 5 साल पूर्व से मंडोला आवास विकास पर चलता आ रहा किसानों का आंदोलन, आज जब किसान अपनी मांगों को लेकर आवास विकास कार्यालय पहुंचे तो वहां पहले से ही यूपी पुलिस तैनात थी, जिसके बाद उन्हें जाने से रोका गया, लेकिन किसान नहीं माने और अंदर घुसे तो उनके साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि एक किसान के सिर में चोट आई है। किसान ने बताया कि हम लोग यहां पर प्रदर्शन के लिए आ रहे थे। कुछ लोग गिर पड़े, जांच में पड़ी उन्होंने उठा के और उन्होंने सब लोग बचाया और मास्टर के सर माथे पे लगा है और उनकी आंख के अंदर आ रहे थे, क्या करना है, गड्ढा है। हम थोड़ा प्रदर्शन कर रहे थे, हम ये जा रहे हैं SHO साहब को डंडा लोग मारने के लिए, तीन हमसे ये कहते हैं भैया यहीं रुको, तुम यहीं बैठाए तुम्हें, जब बात करते हैं SHO टोनिका किसानों की बात। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।